फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं और हम लोग का सारा काम हो चुका। बीबुक सुलाने गए थे पर सो ही नहीं, फिर काम पे वापस लग गए। तो देखिए, समर के सारे कपड़े निकल गए, ये बच्चों के कपड़े हैं। तो सबको धूप दिखा दिया था और अब सबको फोल्ड करके रख दे रहे हैं इनकी अलमारी में, क्योंकि सारे के जितने विंटर के कपड़े थे मैंने सारे धूप मतलब धुल के सुखा के रख दिए हैं। अब समर के कपड़े भी निकाल दिया और उन लोगों को भी धूप दिखा दिया। सब धुले उले पड़े थे, सब धुल उल के रखा था, तो बस धूप दिखाना था, धूप दिखा दिया। और अभी बिल्कुल यहाँ तो गर्मी आ गई है। यहाँ देखिए बेबू झूला झूल रही हैं, इनके लिए मैंने झूला बनाया था। जब हमें सोसाइटी में झूला नहीं लगा था, इनको झूला झूलना था, तो फिर मैंने झूला पर्दे को फाड़ के बीच से देखिए बनाया है। पर डर लगता है कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसलिए नीचे मैट भी लगाया है। मना भी करते हैं मत झूलो, अब तो झूला भी लग गया, लेकिन इनको इसे मज़ा आता है। देखिए सब बाकी डस्टबिन उसमें धुल के आज मैंने अच्छे से बालकनी में रख दिया था धूप में सूखने के लिए। सब सूख गया है, देखिए सब बढ़िया सूख गया है। बेबू का स्टैंड धुल दिया था, कपड़े उपड़े धुल के सब फैला दिए हैं। और बहुत तेज है पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो बाल भी धुला है, तो भैया देखिए बाल सूखा भी नहीं था क्योंकि लपेट के रखे थे। हाँ बेटू, नहीं छू लो बेबू, डस्टबिन छू। क्या हुआ बताओ, मजा आ गया छू के? देखो ये मम्मी पापा ने किया है सूखने के लिए, बेटा क्लीन किया था ना इसीलिए। चलो अब आ जाओ, छोड़ दो। तो अभी मेरा काम है सारे कपड़ों को फोल्ड करना है, तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं फटाफट। हो गई है, क्या फेंक रहे हो दिखाओ। वो देखिए बलून फेंकी नीचे, फूटा नहीं। जाओ लेके आओ, लारा भी है, लारा लारा ये भी तक फेंक दो, भैया दोनों ला देंगे एक साथ। देखो फूटता है कि नहीं, चेक करो। नहीं फेंकोगे? ये देखिए बेबू ग्रैप्स दी हैं चिड़िया लोग को खाने के लिए, 2 दिन से पड़ा हुआ है, कोई चिड़िया खाने नहीं आई, तो खट्टे थे इसीलिए। अब आप मत खा लो, चिड़िया के लिए रखे, चिड़िया खाने दो। मैं 2 3 4 नीचे फेंकूँ? नीचे मत फेंको, नीचे फेंकोगे तो पैसे कुछ लाएगा नहीं। ठीक है भैया, आ गया नीचे वंश। अरे अरे अच्छा दूसरा देते हैं, वो दूसरा दूसरा, वो तो गंदा भी हो गया था, मिट्टी लग गया थे उसमें। देते हैं, देखिए मैंने 2 बलून पानी भर लिए, आप चलते हैं इनको देते हैं। ये भैया ऊपर फेंको फेंको, ये अब नहीं नहीं फूटेगा, छोटा छोटा भरा है। नहीं अब भाग जाओ, क्या क्या करना पड़ता है, ऐसे पूरा दिन निकल जाता है और जो मेन काम होता है ना वो पचा रह जाता है। मैं आके क्या कर रही हैं? ये गंदा हो गया था ना बेटा, भीग रहे हो। अरे सोफे में गिर जाएगा, यहाँ पैसे कर दो, अब नहीं गिरेगा। अब खुश दिखाओ दोनों बलून। अब मैं पानी में खेलने जा रही हूँ, नहीं जाओ बालकनी में, फिर जाओगे फिर फेंकोगे फिर रोओगे। अब मैं फाइनली इनका जो लड़ाई सेटलमेंट हो गया,
अब चलते हैं किचन में बनाते हैं नमक पारे। कौन कौन खाएगा नमक पारे? तो चलो नमक पारे बनाए। तो बच्चे देखिए रेडी हैं। कौन खाएगा नमक पारे? जो पहले हम खाएगा। और गुजिया कौन खाएगा? गुजिया पार्टी इधर कोई नहीं है, इधर सब नमक पारे पार्टी है। गुजिया पार्टी पापा है। ये ले आते सबसे पहले मैदा, आते स्टोर रूम में। मेरा स्टोर रूम, यहाँ पर देखिए सबसे सामान रखा हुआ है। कूलर देखिए, इसमें सामान जो होता है एक्स्ट्रा रख देते हैं। दो पैकेट में सभी इसमें। तो देखिए वंश हमको यहाँ बंद कर दिया स्टोर रूम में। मैं आई थी मैदा लेने, दो ही पैकेट मैदा है। तो नमक पारे बनाते हैं गुजिया बाद में। वैसे मेरा गुजिया बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैंने खोआ बना के रखा है बस। क्या क्या करे पता नहीं। खोलो वंश, देखिए पकड़ा है बदमाश। देखिए ये दोनों चंट है। इन लोग को ही बंद कर दे क्या? मैंने इन लोग को बालकनी में बंद कर दिया है। खोल देते हैं बच्चे हैं। क्या फेंका आपने? किसने फेंका? बहुत चंट है, बहुत। ये आपने फेंका ना? अरे यार तुम फेंकी हो। फिर शुरू ड्रामा। तुम क्यों फेंकी? ले आओ। नीचे गए। ओहो नीचे कार भी आ रही है, कहीं कुचल ना दे भैया से। नहीं कुचला। यहाँ बलून का, इनका बलून फूटता नहीं, बस फेंकता नीचे पड़ा रहता है, फिर उसको लाने जाना पड़ता है। वंशी लाता है। कौन फेंका इस बार? ये मैं। तो क्यों फेंक रहे हो? फिर रोते क्यों? बाबू ने बोला था। क्या बोला था बाबू? फेंक दो। फिर आपने फेंक दिया? हाँ। फिर रोते क्यों हो? फेंक दिया तो मैं रोती हूँ, मेरे को खेलने के अच्छे में होती हूँ। कितने तेज बच्चे हैं आजकल के। इसका बाल कटवाना है, बहुत बड़े बड़े हो गए। ये भी फेंक दूंगी। नो अच्छा फेंक दो। मम्मी क्या है ना? हाँ माँ फूट जाएगा सच में। फूटने दो। नहीं मम्मा। देखो भैया आ गया नीचे। देखो कौन बोला? तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ नमक पारे बनाने। ये 1 kg मैदा है और उसमें मैं डाल रही हूँ 4-5 बड़े चम्मच भर करके मलाई। ये ताज़ी ही मलाई है, 2-3 दिन की मलाई है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा नमक टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का ही डाल रही हूँ मैं थोड़ा। और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देंगे और थोड़ी इसमें डाल देंगे अजवाइन। और फिर इसमें मैं थोड़ी आज डालूँगी मक्के का आटा। इसके पहले मैंने मक्के का आटा नहीं डाला था, पर इस बार मैंने सोचा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मक्के का आटा बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, वैसे ही मैदा है। तो फिर थोड़ा सोचा कि करीब आधी कटोरी मैंने इसमें ले लिया है मक्के का आटा। तो देखते इस बार इसका मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा बनता है। वहाँ जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा ही बनेगा। तो फिर मैं देखिए इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर इसको मतलब अच्छे से ये आटा को मिक्स करने के लिए दोनों हाथ इसको अच्छे से मसल के इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर इसको हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे और इसको गूँथ लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको गूँथ के रेडी करते हैं और फिर बनाते हैं नमक पारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने आटा जैसे रख दिया था थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर आटा मेरा सेट हो गया था। फिर आगे कढ़ाई अब रख दिया गैस पर और उसमें डाल देते हैं रिफाइंड। तो यहाँ देखिए मेरा जो है
चौके से बड़ा साइज का बन गई थी इसकी नौकपारे वाली पूड़ी, तो फिर इसके लिए मैंने थाली उसके ऊपर रख लिया जिससे कि काटने में भी इजी हो जाए। तो देखिए इसको आराम से थाली पर रख करके मैं इसको कट कर ले रही हूँ। जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, चक्कू से भी कट जाता है अच्छे से, लेकिन उसे थोड़ा सा ना जैसे हल्का सा फंसता है, और पिज़्ज़ा कटर से एकदम बिल्कुल आसानी से कट जाता है, तो बहुत सही रहता है। पिज़्ज़ा कटर अगर है तो उसको यूज़ कर लीजिए काटने के लिए, बहुत अच्छा रहता है, उससे आसानी से कट जाता है। और फिर इसको देखिए गर्म, खूब ये जो तेल है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म तेल में ही इसको डालना है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा देर इसको सिम चलाना है, प्रेस करके हल्का हल्का, जैसे कि फूल जाइए नौक पारे, तो उससे क्या ना बहुत कुरकुरी मतलब बहुत क्रिस्पी बनेगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आँच धीमी कर देनी है, और फिर इसके बाद अपना दूसरा पूड़ी मैं यहाँ पर बेलना शुरू कर दूँगी नौक पारे के लिए। तो यहाँ देखिए अच्छे से यहाँ पर फूली फूली सी हो गई है। अब इसको यहाँ पर आँच धीमी कर देंगे और बनाते हैं चलिए दूसरी पूड़ी। तो यहाँ देखिए अभी एक ही बार मेरा नमक पारे बना ही था, पहले घान ही बनी थी कि वंश आ गया किचन में निकालने। मैंने बोला बेटा अभी बहुत गर्म, मत निकालो ऐसे हाथ से, तो फिर अपना हाथ ही जला लिया निकालने में। और फिर उसके बाद बोलता हाँ मम्मा आप कैसे निकालूँ, तो अब मेरी हेल्प ले रहे हैं, इसके पहले नहीं नहीं मैं ले लूँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, हो गया मेरा नमक पारे रेडी। बहुत दिन से वंश बोल रहा था मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज देखिए फाइनली बन गया। अब होली भी आने वाला है, तो वैसे बनाने के लिए सोच रहे थे, पर डेली यही खाना पीना घर में ही इतना मतलब टाइम बीत जाता ना कि हो ही नहीं पाता है। देखिए मेरे नमक पारे रेडी हो गए हैं। इस बार मैंने ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मक्के का आटा डाला था जिससे बहुत सॉफ्ट बने। ये देखिए तो उसको डिब्बे में भर देंगे। देखिए बेबू पूरा अपने शॉप खोली है किचन का, और ये देखिए क्या खा रहे हैं, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता, सब पूरी पत्ता की शॉप खोली है, खुद ही खा रहे हैं। देखिए क्या खा रहे हो, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता, इतना पत्ता क्यों नीचे क्यों रख दिए हो, आप प्लेट पर रखो इसको। देखिए जैसे बकरी खाते ना ऐसे खाती है, इतना नहीं खाते बेटा, इसको रख दो किचन में। अब बकरी हो तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही रहा है, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोग को ब्लॉग। और अभी हम लोग को मार्केट भी जाना है, तो वंश का ड्रेस लेना है, बुक्स लेनी है, तो अभी नए क्लास में चले गए हैं क्लास सिक्स में, और परसों से उनका स्कूल भी स्टार्ट है, तो बस ये सब शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तभी हम निकलेंगे मार्केट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।